अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे मस्ट का यूज़ पढ़ेंगे, और आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पर लिखा कि मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट बी लिखा और मस्ट हैव लिखा हुआ है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार इंग्लिश पॉसिबल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि सारी अपडेट्स आपको भी मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्चुअली मस्ट क्या होता है। मस्ट के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, मस्ट के ऊपर वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैंने बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया कि मस्ट कब इस्तेमाल करते हैं, कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। आप मेरे चैनल को जरूर विजिट करिए, वहाँ पर आपको मस्ट का वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मस्ट एक्चुअली होता है कि जब हम लोग किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, यानी किसी को मशवरा देते हैं कि आपको करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा वो सजेशन जो होता है स्ट्रांगली सजेस्ट हम लोग करते हैं कि आपको ये काम अवश्य करना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग बोलेंगे आपको अवश्य पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे अवश्य चले जाने चाहिए, तो लाइक इस तरह के जो सजेशन हम लोग किसी को करते हैं और वो स्ट्रांग सजेशन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हिंदी मस्ट का ज़रूर करना चाहिए। क्या कह सकते हैं समझने के लिए, ज़रूर करना चाहिए। आप हिंदी बोल सकते हैं इसका, करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर मस्ट बी है, मस्ट हैव है, तो इसका यूज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते, बनाने का क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लेकर आएंगे, सब्जेक्ट लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा मस्ट लेकर आएंगे। जैसे हम लोग मस्ट हमने इस्तेमाल किया, मस्ट, उसके बाद लेकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मस्ट के साथ, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, और आपको कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना, अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है ना। जैसे हम बोलेंगे कि आपको अवश्य जाना चाहिए, तो आपको हम लोग बोलते हैं यू बोलते हैं, आपको पता है। जैसे हम बोलेंगे यू, और अवश्य जाना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए, इसके लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट लिखते हैं, यू मस्ट गो, आपको अवश्य जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे हमें ज़रूर खेलना चाहिए, हमें को हम लोग बोलते हैं वी, क्या बोलेंगे, वी खेलने का मस्ट तो हमारा आना ही है, वी मस्ट प्ले, वी मस्ट प्ले, हमें ज़रूर खेलना चाहिए, आपको ज़रूर इंग्लिश बोलनी चाहिए, यानी आपको अवश्य इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो आपको बोलते हैं यू मस्ट, यानी ज़रूर चाहिए के इस्तेमाल हम लोग करेंगे। मस्ट बोलने को कहते हैं स्पीक, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए, ठीक है। हमें ज़रूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए, पढ़ने को हम लोग कहते हैं स्टडी कहते हैं, वी मस्ट स्टडी इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से करके आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि किसी को कुछ अवश्य करना चाहिए, किसी को कुछ ज़रूर करना चाहिए। अब बारी आती है नेगेटिव की। नेगेटिव बनाने का तरीका भी बहुत आसान होता है, कि आपको बताया ऑलरेडी जा चुका है कि मस्ट के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। लाइक अगर हम यूज़ करेंगे कि आपको नहीं जाना चाहिए, तो हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, मस्ट के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हम क्या करते हैं नॉट इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो लेंगे यू मस्ट नॉट, इसका इस्तेमाल करेंगे यहां पर, यू मस्ट नॉट गो, आपको अवश्य नहीं जाना चाहिए, आपको अवश्य ये नहीं करना चाहिए, यू मस्ट Not do this, you must not do this, आपको अवश्य ये नहीं करना चाहिए, आपको अवश्य नहीं बोलना चाहिए, you must not speak, उसे गाली नहीं बोलनी चाहिए, शी मस्ट नॉट अब्यूज। तो इस तरह से करके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। और इंटरोगेटिव की बारी आती है, तो इंटरोगेटिव बनाने का तरीका आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत आसान है बच्चों, अब क्या करोगे, ये जो मस्ट है हमारा यानी हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर रहेंगे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, तो आएगा मस्ट। अब देख सकते हैं मस्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, हमने लिखा मस्ट, ये देखिए मस्ट लिखा, अब ये सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आएगा यानी मस्ट की जगह पर आएगा, तो मस्ट वी क्या होगा, मस्ट वी, अब उसका जो भी वर्ब आपका इस्तेमाल कर सकते, मस्ट वी प्ले, क्या बोलेंगे, मस्ट वी प्ले, अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है ना। मस्ट वी प्ले, इसका हिंदी क्या हमें खेलना चाहिए, क्या हमें खेलना चाहिए। आप बोलोगे सर क्या को तो हम लोग वॉट कहते हैं, बट एक्चुअली आपने यहाँ पर हिंदी क्या कैसे बिना वॉट का यूज़ किए क्या हिंदी क्यों निकल रहा, ठीक है ना। तो इसका एक रूल्स है, तरीका है कि जब सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में चेंज करते, उसका हिंदी ऑटोमेटिक उसका हिंदी क्या में आ जाता है, ठीक है ना, सवाल करने में आ जाता है। लाइक मस्ट वी प्ले, क्या हमें खेलना चाहिए। जैसे बोले कि मस्ट वी गो, क्या हमें जाना चाहिए। मस्ट यू गो, क्या आपको जाना चाहिए। मस्ट शी स्पीक, क्या उसे बोलना चाहिए। मस्ट चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चों को खेलना चाहिए। तो मस्ट यानी जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसका हिंदी क्या हो जाता है, क्या में आ जाता है, सवाल करने के लिए आ जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, मस्ट बी एक्चुअली क्या होता है, मस्ट बी हमारा मस्ट बी का इस्तेमाल कब करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करें, और इसका हिंदी क्या होता है, ठीक है, ये भी हम जान लेते हैं। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट बी का हिंदी होगा जरूर होना चाहिए, क्या बोलेंगे, जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। किसी को कुछ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ठीक है, हमने इस्तेमाल किया ज़रूर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि किसी को कुछ अवश्य होना चाहिए। एग्जाम्पल दूंगा मैं, आपको एक स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, तो आपको हम लोग बोलेंगे यू, क्या बोलेंगे, यू
होना चाहिए कि इस्तेमाल हम लोग करेंगे मस्ट बी, हमने लिखेंगे लिखा मस्ट बी, यू मस्ट बी, आपको क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि इस्तेमाल आपको करना है मस्ट बी करना है, ठीक है ना। अगर मैं आपको सजेस्ट करके बोल रहा हूँ कि आपको अवश्य एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, यू मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट, क्या बोलेंगे बच्चों, गुड स्टूडेंट हमने लिखा, यू मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट, आपको एक अच्छा स्टूडेंट अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ करेगा नहीं, कोई एक्शन होगा नहीं, यहाँ पर किसी की अवस्था को बताएगा कि उसे कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँगा बच्चों को अवश्य, बच्चों को अवश्य स्कूल में होना चाहिए, मतलब अभी उनकी मतलब सिचुएशन क्या कि इसको अभी स्कूल में होना चाहिए, तो बच्चों को हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं चिल्ड्रन बोलते हैं, हम लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रेन। उसके बाद होना चाहिए कि इस्तेमाल हम लोग करेंगे मस्ट बी, ठीक है ना, सेम तरीका रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। चिल्ड्रेन मस्ट बी इन स्कूल, इन स्कूल हमने लिखा चिल्ड्रेन मस्ट बी इन स्कूल, कि बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, ठीक है। हम जैसे बोलेंगे कि आप मुझे मार्केट में होना चाहिए, मुझे अवश्य मार्केट में होना चाहिए अभी, तो मुझे क्यों बोलेंगे आई होना चाहिए, मस्ट बी इन मार्केट, आई मस्ट बी इन मार्केट, कि मुझे अवश्य मार्केट में होना चाहिए, ठीक है ना। और हम सेंटेंस बनाएंगे आपको एक अच्छा टीचर होना चाहिए, ठीक है, तो आपको बोलेंगे यू होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, मस्ट बी, यू मस्ट बी क्या होना चाहिए बच्चों, एक अच्छा टीचर होना चाहिए, अ गुड टीचर, यू मस्ट बी अ गुड टीचर, आपको एक अच्छा टीचर होना चाहिए, ठीक है ना। और काफ़ी सारे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, किसी को अवश्य कुछ होना चाहिए, यानी अब उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ होना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, अब इसे कोई नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि भाई नेगेटिव करना है कि आपको ये नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक तो अब रहा नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, मस्ट के बाद फिर नॉट लेकर आएंगे, तो हो जाएगा मस्ट नॉट बी, एग्जांपल चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी इन द स्कूल, कि बच्चों को स्कूल में अवश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और सर इसे बनाएंगे उसे झूठा नहीं होना चाहिए, झूठा को हम लोग बोलते हैं लायर बोलते हैं, तो उसे को बोलेंगे यहाँ पर ही, ठीक है, नेगेटिव के ही मस्ट नॉट बी, नेगेटिव है, नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी यूज़ करना है आपको, ही मस्ट नॉट बी लायर, ठीक है, ही मस्ट नॉट बी लायर, ठीक है, उसे झूठा नहीं होना चाहिए, ही मस्ट नॉट बी लायर, उसे झूठा नहीं होना चाहिए। और हम सेंटेंस बनाएंगे उसे बेईमान नहीं होना चाहिए, ही मस्ट नॉट बी बेईमान को बोलते हैं डिसऑनेस्ट, ही मस्ट नॉट बी डिसऑनेस्ट, ठीक है ना। और हम लोग काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाएंगे कि किसी को अवश्य कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम और सेंटेंस बनाएंगे उसे गरीब नहीं होना चाहिए, उसे शी मस्ट नॉट बी पुअर, शी मस्ट नॉट बी पुअर, उसे गरीब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इंटरव्यू, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। इंटरोगेटिव बनाने का तरीका बहुत आसान है बच्चों, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है पहले से। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है कि मस्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे मस्ट, ये हमने किया मस्ट, अब सब्जेक्ट को लेकर आएंगे मस्ट ही बी लायर, ठीक है, हमने इस्तेमाल किया मस्ट ही बी लायर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब यह क्या हिंदी होगा, मस्ट ही बी लायर, क्या उसे झूठा होना चाहिए, क्या उसे झूठा होना चाहिए, मस्ट यू बी इन द स्कूल, क्या आपको अवश्य स्कूल में होना चाहिए, मस्ट शी बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर, क्या उसे अवश्य एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर होना चाहिए। इस तरह से करके काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि किसी को अवश्य कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह इंटरव्यू नेगेटिव बनाएंगे, बहुत आसान है। मस्ट अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट इस्तेमाल करेंगे, एग्जांपल जैसे कि मस्ट ही नॉट बी अ लायर, क्या उसे लायर नहीं होना चाहिए, क्या उसे झूठा नहीं होना चाहिए, मस्ट लायर नॉट बी ब्रेव, क्या शेर को बहादुर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, क्या आपको डरपोक नहीं होना चाहिए, मस्ट यू नॉट बी कॉवर्ड, है ना, क्या आपको डरपोक नहीं होना चाहिए। इस तरह से करके आप मस्ट बी से भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे कि मस्ट हैव है, क्या लिखा हुआ है, मस्ट हैव है, तो मस्ट हैव का एक्चुअली यूज देख लेते हैं कि कहाँ होता है, कैसे होता है। आप देख सकते हैं मस्ट हैव की हिंदी मैंने लिखा कि जरूर पास होना चाहिए, तो हैव का मीनिंग आपको पता है कि किसी चीज़ का पास होना है, मस्ट का मतलब अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, तो हमने हिंदी लिखा मस्ट हैव यानी हो जाएगा जरूर पास होना चाहिए, यानी किसी चीज़ का जरूर पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसी को सजेस्ट करेंगे, जैसे मैं बात करूँगा आपके पास अवश्य एक कार होनी चाहिए, तो मैं आपको एक तरह का सजेस्ट कर रहा हूं, एक तरह का आपको क्या करें सजेशन दे रहा हूं कि आपके पास अवश्य कार होनी चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा। तो जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे आपके पास अवश्य कार होनी चाहिए, आपको क्या बोलेंगे यू, और अवश्य पास होना चाहिए मस्ट हैव, क्या बोलेंगे यू मस्ट हैव, हमने लिखा यू मस्ट हैव क्या होना चाहिए अ कार, यू मस्ट हैव अ
कार, ठीक है, हमने लिखा यू मस्ट हैव अ कार, आपके पास अवश्य कार होनी चाहिए। जैसे और सेंटेंस में बनाएंगे, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए यानी तालीम होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अवश्य पास होना चाहिए, मस्ट हैव यू मस्ट हैव एजुकेशन आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, मेरे पास एक नया घर होना चाहिए, तो मेरे को बोलेंगे आई और अवश्य पास होना चाहिए मस्ट हैव, आई मस्ट हैव क्या होना चाहिए, अ हाउस, अ न्यू हाउस नया घर होना चाहिए, हमने लिखा आई मस्ट हैव अ न्यू हाउस हो गया, आई मस्ट हैव अ न्यू हाउस मेरे पास अवश्य घर नया घर होना चाहिए। इस तरह से हम बात करेंगे कि उसके पास बाइक होनी चाहिए, उसके पास अवश्य बाइक होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे ही, अगर मेल है तो ही इस्तेमाल करेंगे, और मस्ट हैव ही मस्ट हैव अ न्यू बाइक, ठीक है ना, उसके पास अवश्य एक नई बाइक होनी चाहिए। आई थिंक बहुत आसान है, ठीक है, कुछ चीज़ को आपको समझना है, किसी के पास अवश्य कुछ होना चाहिए तो मस्ट हैव आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। अब बारी आती है नेगेटिव बनाने की, नेगेटिव बनाने का क्या तरीका होगा, तो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका बच्चों, तो मस्ट के बाद आपको नोट लाना है यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लाना है। आपने लिखा यू मस्ट नॉट हैव अ कार, आपके पास अवश्य कार नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। इस तरह हम बात करेंगे कि मेरे पास नया घर नहीं होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर लाएंगे आई मस्ट नॉट हैव अ न्यू हाउस, यहाँ पर मस्ट नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अवश्य पास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और हम सर उसके पास अवश्य नई बाइक नहीं होनी चाहिए, ही मस्ट नॉट हैव अ न्यू बाइक, उसके पास अवश्य नई बाइक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से करके आप भी काफी सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते, बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव यानी सवाल करने वाला जो सेंटेंस, उसको हम लोग कैसे बोलेंगे यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। तो बहुत आसान, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका कि ये जो हमारा मस्ट है, तो मस्ट को आपको सब्जेक्ट से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। जैसे हम बोलेंगे मस्ट, देख सकते हैं आप मस्ट, ठीक है ना, तो हमने लिखा मस्ट, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट मस्ट को, मस्ट के बाद क्या लाना है हमको, सब्जेक्ट लाना है, ठीक है ना, रिप्लेस कर दिया हमने इसको, मस्ट यू, बाकी चीजें हो जाएगा हमारा, पास होना चाहिए हैव, अब यहां पर इस तरह मस्ट यू हैव, मस्ट यू हैव अ न्यू हाउस, क्या आपके पास अवश्य एक नया घर होना चाहिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है ना, क्या आपके पास नई बाइक होनी चाहिए, मस्ट यू हैव अ न्यू बाइक, क्या आपके पास अवश्य नई बाइक होनी चाहिए, ठीक है, क्या गरीबों के पास शिक्षा होनी चाहिए, मस्ट पुअर हैव एजुकेशन, क्या हर बच्चों के पास इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, मस्ट एवरी चिल्ड्रन हैव इंग्लिश लैंग्वेज, क्या हर स्टूडेंट्स के पास किताबें होनी चाहिए, मस्ट एवरी स्टूडेंट्स हैव बुक्स। इस तरह से करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगर आपको इंटर नेगेटिव भी बनाना तो बहुत आसान है, इंटर नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप लाएंगे मस्ट यू नॉट हैव अ न्यू हाउस, क्या आपके पास अवश्य एक नई घर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या आपके पास एक नई बाइक नहीं होनी चाहिए, मस्ट यू नॉट, यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे मस्ट यू नॉट हैव अ न्यू बाइक, क्या आपके पास अवश्य नई बाइक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से करके काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं, आई होप कि समझ में आ गया होगा पूरा, मस्ट भी समझ में आ गया, मस्ट बी भी समझ में आ गया, और मस्ट हैव भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।